अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में चल रहे हालातों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों को राम का वंशज बता डाला है और कहा है कि भारत के मुसलमान प्रभु श्री राम के वंशज हैं, मुगलों के नहीं, और मंदिर निर्माण पर उन्होंने शियानों की तरह आगे आना चाहिए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि देश के 24 जिलों में हिंदुओं की संख्या गिरी है और देश के हालात बिगड़ रहे हैं, और जहां हिंदू कम हुए हैं वहां सामाजिक समरसता टूटी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की परिभाषा भी बदलनी चाहिए, क्योंकि जहां 5 या 10% है वहां भी अल्पसंख्यक, और जहां 90% है वहां भी अल्पसंख्यक। राम मंदिर निर्माण और जनसंख्या कानून पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हर मोर्चे पर वोट के सौदागर खड़े हैं, इसलिए जिस दिन जन भागीता होगी उस दिन राम मंदिर भी बनेगा और जनसंख्या पर कानून भी, और सड़क से सांसद तक इस पर बात होनी चाहिए। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बने, वोटिंग राइट समाप्त हो, आर्थिक कार्रवाई भी हो। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जनसंख्या कानून रैली में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल 2 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं और हम कई ऐसे देश हर साल पैदा कर रहे हैं जिसकी संख्या 2 करोड़ के करीब है। जहां 5% हैं, 10% वहां भी अल्पसंख्यक, जहां 90 और 98 हैं वहां भी अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक की परिभाषा भी अब बदलने की आवश्यकता हो गई, और ये जन भागीदारी से इसे करना होगा, क्योंकि वोट के सौदागर हर मोर्चे पर खड़े दिखाई देते हैं। सर, एक विषय पे अध्यादेश आना, लेकिन विषय दो हैं। एक विषय तो है जनसंख्या नियंत्रण, मान लीजिए सरकार में अध्यादेश आए, और एक विषय है राम मंदिर। आप किसका समर्थन करेंगे, राम मंदिर का समर्थन करेंगे या जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करेंगे? ये दोनों हाथ मेरे हैं, मेरे सांस्कृतिक धरोहर आराध्य श्री राम का मंदिर भी एक हाथ में चाहिए और दूसरे हाथ में भारत के सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारत के विकास को बचाने के लिए, विकास हो इसके लिए दोनों हाथ मुझे चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, संत समाज यह कहता है कि अगर राम मंदिर बनाना है तो हिंदुओं की आबादी बढ़ानी होगी, आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करिए और मंदिर भी बनाइए, कैसे तालमेल बैठाएगा? मैं जानता हूं कि ये कहते कहते हिंदू समाज आज आपके कितने बच्चे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने हैं? एक। आपके दादाजी कितने भाई थे? चार। आपके पिताजी कितने भाई थे? चार। आपने क्यों कर लिया, इसका जवाब खुद मिल गया। आज मैं ये नहीं कहता हमारे संसाधन के मुताबिक, लेकिन हमारे 2 बच्चे और कोई 8 बच्चे जो ना मानते हैं उसके लिए कड़ा कानून बने, ऐसा कड़ा कानून बने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, चाहे जैन हो या बौद्ध, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, जो ना माने उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो ना माने उस पर आर्थिक कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान।